मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ आई एम डॉक्टर तरुण गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर इन जी एल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा डियर फ्रेंड्स अवर सब्जेक्ट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग द सब्जेक्ट कोड इज़ के एम ई जीरो सेवन सिक्स टूडे इज अवर सिक्सटींथ लेक्चर एंड टूडे वी विल डिस्कस कंडेंसर्स फ्रेंड्स बिकॉज वी आर डिस्कसिंग थर्मल पावर प्लान सो द कंडेंसर विच वी डिस्कस हीयर विल बी स्टीम कंडेंसर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो वाट इज़ कंडेंसर कंडेंसर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए सो डियर फ्रेंड्स कंडेंसर इज़ ए डिवाइस इन विच स्टीम इज़ कंडेंस टू वाटर एट अ प्रेशर लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर ध्यान रखिएगा कि कंडेंसर के अंदर वैक्यूम होता है सो कंडेंसर इज ए डिवाइस इन विच स्टीम इज कंडेंस टू वाटर ध्यान रखिए कंडेंस कंडेंस ए वर्ड बना है कंडेंसर बिकॉज प्रोसेस इज कंडेंसेशन एंड स्टीम इज कंड टू वाटर सो दैट्स सॉ दिस डिवाइस इज नोन एज कंड कंडेंसर राइट कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर यहाँ पर हम क्या करते हैं जो स्टीम हमारे पास है जिसको कंडेंस करना है उस स्टीम की हीट को रिमूव करते हैं कूलिंग वाटर से कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करते हैं सो दैट यू कैन से कंडेंसर इज एन इज ए हीट एक्सचेंजर सो यहाँ पर क्या होता है कि स्टीम की जो वेट स्टीम है या जो टर्बाइन से हमारी स्टीम आ रही है वेट स्टीम आफ्टर यूजिंग आफ्टर एक्सपेंडिंग इन द टबाइन उस टर्बाइन को वाटर में कन्वर्ट करना है उसकी हीट को रिमूव करना है सो यू कैन से इट इज इट इज़ ए हीट एक्सचेंजर राइट ड्यूरिंग कंडेंसेशन द वर्किंग सब्सटेंस चेंज इट फेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड एंड रिजेक्ट लेट एंड कौन सा है एग्जॉस्ट प्रेसर इन दंडेंसर इज में टू एट किलो पासकल विच कॉरस्पोडेंस टू कंड टेम्परेचर ऑफ नियरली थ्री हंड्रेड थर्टीन कैलवीन नाउ अबाउट वैक्यूम क्रिएशन इन कंडेंसर अभी मैंने आपको बताया कंडेंसर में वैक्यूम होता है वैक्यूम डजेंट मीन की एब्सोल्यूट वैक्यूम इज देयर वैक्यूम मींस प्रेशर इज़ लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर राइट वेन द स्टीम कंडेंस इन ए क्लोज्ड वेसल द वेपर फेस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस चेंज टू लिक्विड फेस मैंने आपको बताया कि देखिए होता क्या है कि देयर इज ए टर्बाइन टर्बाइन में स्टीम आ रही है और टर्बाइन से एक्सपेंड हो गई स्टीम यहाँ बाहर आ गई अभी जो स्टीम बाहर आ रही है दिस स्टीम इज वेट स्टीम इस स्टीम को आपने कंडेंस करना है सो यू आर यूजिंग ए कंडेंसर हियर हियर यू आर यूजिंग ए कंडेंसर राइट सो व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट वी आर डूइंग इन कंडेंसर इन कंडेंसर वी आर चेंजिंग इट्स फेस एंड फ्रॉम गैस और वेपर टू वी कन्वर्ट इट इन लिक्विड फेज सो वट हैपन इट गिव्स इट्स ऑफ वेपराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम रिड्यूस टू मोर देन वन थाउजेंड टाइम्स राइट सो ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर फॉल्स बिलो एटमोसफेयरिक प्रेशर एंड ए हाई वैक्यूम इज़ क्रिएटेड पता होना चाहिए आपको कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने से जो प्रेशर है वो प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है इवन ये वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एटमोसफेयर से काफ़ी कम हो जाता है

स्पेसिफिक आउटपुट और देखिए कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा कि ये टर्बाइन का जो एग्जॉस्ट प्रेशर उसको रिड्यूस कर देगा क्लियर सो इससे क्या होगा प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन डिक्रीज़ होती है सेकंड इसका जो फंक्शन है दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंड री इट एज प्योर फीड वाटर इन द बॉयलर फ्रेंड्स अगर आप एवरी टाइम यू आर यूजिंग फ्रेश वाटर सो क्या होगा फ्रेश वाटर को आपको ट्रीट करना पड़ेगा डीमिनरलाइज करना पड़ेगा उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव करनी पड़ेंगी बट अगर आप स्टीम को आप कंडेंस करते हैं कंडेंसर में और जो कंडेंसेट आपको मिलता है आफ्टर कंडेंसेशन जो कंडेंसेट मिला उस कंडेंसेट को आप यूज़ करते हैं तो इट इट कंसिडर एज ए प्योर फीड वाटर सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर तो अब क्या होगा कि ओनली यू हैव टू एड सम क्वान्टिटी ऑफ वाटर विच टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस सो जो इवेपोरेशन में लॉस हो गया आपको केवल उतना ही वाटर मेकअप वाटर को एड करना है आपने राइट इट इनेबल्स थर्ड थर्ड फंक्शन इज इट इनेबल्स रिमूवल ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम स्टीम सो इट इम्प्रूव हीट ट्रांसफर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंड कंडेंसिंग प्लांट्स कंडेंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देन एयर एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप हॉट वेल कूलिंग टावर मेकअप वाटर पंप एंड बॉयलर फीड पंप। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंडेंसिंग प्लांट इट डजेंट मीन कि केवल यही पार्ट होते हैं इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बट दीज आर दिन पार्ट्स एक डाइग्राम हमने यहाँ पर दिखाया अगर आप देखना चाहें देखिए इन दिस डाइग्राम ये एक बॉयलर है हमारे पास दिस इज़ द बॉयलर बॉयलर से स्टीम जनरेट किया आपने यहाँ पर हमने कोई माउंटिंग एसेसरीज़ नहीं दिखाई है मीनस सुपर हीटर या कोई और असेसरीज नहीं दिखाई है यू कैन कंसिडर की जो स्टीम बॉयलर से जो स्टीम आ रही है दिस स्टीम इज़ सूटेबल टू एक्सपेंड इन द टबाइन मीन्स अगर सुपर हीटेड स्टीम की जरूरत है सुपर हीटेड स्टीम है या किसी और क्वालिटी की ज़रूरत है स्टीम की तो इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वालिटी राइट सो ये स्टीम टर्बाइन आप देख रहे हैं टर्बाइन के अंदर ये स्टीम एक्सपेंड हो रही है क्लियर अब यहाँ से जनरेटर हमने नहीं दिखाया बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हम डिस्कस करना चाहते हैं कंडेंसर को सो so, जनरेटर को हमने शो नहीं किया अब देखिए टर्बाइन से ये जो स्टीम है ये वेट स्टीम और यू कैन से जो एक्सपेंशन के बाद स्टीम है ये यहाँ आ रही है दिस इज अ कंडेंसर अब बिकॉज स्टीम इज़ देयर सो इट इज़ नॉन एज स्टीम कंडेंसर सी लिखा है हमने कंडेंसर को अब देखिए कंडेंसर में जो स्टीम आई है आफ्टर कंडेंसेशन ये इसको हम कहेंगे कंडेंसेट जो लिक्विड बन गया वाटर में कन्वर्ट हो गया वाटर को हम कहेंगे कंडेंसेट सो so, ये जो कंडेंसेट है इस कंडेंसेट को पंप की हेल्प से हम हॉट वेल में कलेक्ट कर लेते हैं सो दिस इज़ अ कंडेंसेट ये जो आप सारा देख रहे हैं ब्लू ब्लू ऑल दिस इज़ अ कंडेंसेट नौ ही मैंने आपको बताया कि कंडेंसर क्या है कंडेंसर इज़ ए हीट एक्सचेंजर सो अगर हीट एक्सचेंजर है तो इसकी हीट कहाँ गई कैसे हीट को एक्सचेंज किया हमने सो so, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप एक दिया हुआ है एक ये पंप है जो एक वाटर को सप्लाई कर रहा है विच एक्सचेंज द हीट जो स्टीम से हीट लेगा और इसको हमने नाम दिया कंडेंसर कूलिंग वाटर पंप और इस वाटर को हम कहेंगे कंडेंसिंग वाटर कंडेंसर वाटर और ये वाटर यहाँ से हीट को एब्जॉर्व करने के बाद कूलिंग टावर में से जाता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग सो कूलिंग टावर में इट गिव इट्स हीट और ये जो वाटर है इसको रीयूज़ करते हैं सो जब ये अपनी हीट को एयर से एक्सचेंज करता है तो कुछ वाटर इवेपरेट हो जाता है सो so, यहाँ पर हमने यूज किया मेकअप वाटर पंप कि जितना वाटर इवेपरेट हो गया उतना वाटर यहाँ पर ऐड हो जाए क्लियर है इसके साथ साथ एक एयर एक्सट्रैक्शन पंप हमने यूज किया हुआ है सो ये कंडेंसर में से जब आप कंडेंसेशन करते हैं स्टीम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो एयर या जो गैसेज वहाँ पर डिजॉल्व है वो गैस बाहर आ जाए और उन गैस को एयर को एक्सट्रैक्ट करके एक पंप के थ्रू हम एटमोसफेयर में डिस्चार्ज कर दें अब ये देखिए जो कंडेंसेट कलेक्ट्रोइ इट इज़ ऑलमोस्ट एज प्योर वाटर मीन्स नो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड सो हम क्या करते हैं एक पंप के थ्रू एक पंप है पंप के थ्रू इस वाटर को डायरेक्ट बॉयलर में सप्लाई कर देते हैं सो दिस इज अ टोटल प्रोसेस ऑफ ए कंडेंसिंग प्लांट नाउ एडवांटेज ऑफ कंडेंसर इट इंक्रीज द वर्क आउटपुट पर किलोग्राम ऑफ स्टीम सप्लाई टू द पावर प्लांट राइट इट ऑल्सो रिड्यूस स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन दे फोर रिड्यूस द साइज ऑफ पावर प्लांट फॉर अ गिवन कैपेसिटी ठीक है इट इम्प्रूव द थर्मल एफिशियंसी ऑफ द प्लांट इट अफेक्ट द सेविंग इन कॉस्ट ऑफ वाटर टू बी सप्लाई टू द बॉयलर सिंस कंडेंसेट इज रिटर्न टू द बॉयलर मैंने आपको बताया ना कि आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है कंडेंसेट इज ए प्योर वाटर सो यू कैन डायरेक्टली सप्लाई इट टू द बॉयलर जब आप डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इट मीन्स सेविंग इन द कॉस्ट इसके साथ साथ क्या ये जो कंडेंसेट जो था ये कंडेंसेट का टेम्परेचर फ्रेश वाटर के बराबर नहीं होता द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर इज मोर देन फ्रेश वाटर सो जितना एनर्जी आपको एड करनी थी फ्रेश वाटर से और कंडेंसर के टेम्परेचर तक आने में उतना वाटर पहले ही गर्म है सो देर इज ए सेविंग ऑफ द हीट दैट वाई इट इंग इम्प्रूव द थर्मल एफिशिय पावर प्लांट राइट लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेज में कॉस्ट ऑफ वाटर सॉफ्टिंग प्लांट इज ऑल्सो रिड्यूस सिंस कंडेंसर प्रोवाइड प्योरफीड वाटर ऑफ द बॉयलर यह पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको अभी बता दिया क्लियर इसके बाद बात बारी आती है क्लासिफिकेशन की फ्रेंड्स अगर मैं कंडेंसर की क्लासिफिकेशन करूं सो टोटल कंडेंसर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वन इज जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर जेट कंडेंसर आर आल्सो नॉन एज मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स वैल सरफेस कंडेंसर्स आर नॉन एज नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स सो फ्रेंड्स डोंट गेट कन्फ्यूज जेट कंडेंसर मीन्स मिक्सिंग सरफेस कंडेंसर मीन्स नॉन मिक्सिंग मीन्स सरफेस कंडेंसर मींस देर इज अ सरफेस बिटवीन कूलिंग वाटर एंड स्टीम वाइल इन जेट कंडेंसर देर इज़ नो सरफेस राइट सो दीज जेट कंडेंसर एज वेल एज सरफेस कंडेंसर कैन बी डिवाइड इंटू फर्दर कैटेगरीज फर्दर पार्ट यू कैन से जेट कंडेंसर इज लो लेवल पैरल फ्लो जेट कंडेंसर, लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर हाई लेवल जेट कंडेंसर एंड इजक्टर जेट कंडेन्सर वेर एज सरफेस कंडेंसर कैन भी डाउन फ्लो कंडेंसर सेंट्रल फ्लो कंडेंसर इन्वर्टेड फ्लो कंडेंसर

डोंट गेट कन्फ्यूज कि वाट इज एग्जॉस्ट सिस्टीम सो इन जेट कंडेंसर एग्जॉस्ट सिस्टीम एंड कूलिंग वाटर कूलिंग वाटर कौन सा है कूलिंग वाटर है जिस वाटर से हम हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं स्टीम को कंडेंसेट कर रहे हैं सो दो टर्म है एग्जॉस सिस्टीम एंड कूलिंग वाटर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा डोंट गेट कन्फ्यूज सो इन जेट कंडेंसर एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है कि बोथ कूलिंग वाटर एंड एग्जॉस्ट स्टीम मिक्स वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं क्लियर एंड मिक्सअप टूगेदर दस द फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट एंड कूलिंग वाटर लिविंग द कंडेंसर इज सेम एक्चुअल इन एक्चुअल केस यू कैन नॉट सेपरेट कूलिंग वाटर यू कैन नॉट सेपरेट कंडेंसेट राइट मीन्स जब स्टीम और वाटर कूलिंग वाटर मिक्स हो जाते हैं सो बोथ बिकम वाटर और बोथ बिकम कंडेंसेड बट सच कंडेंसर्स आर नॉर्मली यूज फॉर स्मॉल पावर प्लांट्स बड़े पावर प्लांट्स में इस तरह के कंडेंसर्स को यूज़ नहीं करते हैं ठीक है इट कैन बी यूज वेन कोलिंग वाटर इज चीप इजीली अवेलेबल एंड क्वालिटी ऑफ कूलिंग वाटर इज़ वेरी गुड ध्यान रखिए कि क्वालिटी जो वाटर की अवेलेबल है वो बहुत अच्छी है क्वालिटी अगर आप चाहें तो बॉयलर में उसको यूज़ कर लेंट बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है वाटर ट्रीटमेंट की दीज कंडेंसर्स आर यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड सिंस द कंडेंसेट कलेक्टेड कैन नॉट बी रीयूज इन द बिकॉज़ इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट ऑयल मेटल पार्टिकल्स एक्सेट्रा इन द कंडेंसेट राइट अब इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन थी जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर सो फ्रेंड दिस इज लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर यू कैन सी देर इज ए डायग्राम इन दिस केस इट इज लो लेवल लो लेवल का मीनिंग है ये जो पाइप आप देख रहे हैं यहां से यहां तक दिस पाइप फ्रेंड्स ये जो पाइप आप देख रहे हैं दिस पाइप ये बहुत छोटा पाइप है राइट छोटा होने की वजह से इसको नाम दिया लो लेवल पैरल फ्लो हियर फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम दिस इज एग्जॉस्ट सिस्टम एंड दिस इज कूलिंग वाटर फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम एंड कूलिंग वाटर इज इन द सेम डायरेक्शन दैट इज नॉन एज पैरल फ्लो जेट कंडेंसर जेट मिक्सिंग मैंने आपको बताया जेट कंडेंसर का मतलब क्या है कि एग्जॉस्ट सिस्टम एंड कूलिंग वाटर बोथ गेट मिक्स वेरी वेल राइट सो देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ से एंटर कर रही है कंडेंसिंग वो कूलिंग वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है दोनों यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं हमने एक ट्रे यहाँ पर लगाई हुई है ट्रे लगाने का पर्पज हमारा ये है वाटर पार्टिकल्स यहां से ड्रॉप करके नीचे आ जाए ड्यू टू ग्रेविटी एक एयर पंप यहां पर यूज करते हैं जस्ट टू रिमूव द एयर राइट एंड जस्ट टू रिमूव द एयर हम एक एयर एक्सट्रक्शन पंप यूज करते हैं और फ्रेंड्स इज आफ्टर गेटिंग कंडेंसेशन, द कंडेंसेट वाटर कलेक्ट हियर। एंड फ्रॉम वेयर एक पंप हमने एक यूज़ किया और ये जो पंप है इस कंडेंसेट को ये पंप रिमूव करके इस वाटर को वेल well में सप्लाई कर देता है जहाँ से इस वाटर को हम बॉयलर में सप्लाई कर सकते हैं राइट इसके साथ साथ क्या है एक यहाँ पर एक एक और हमने बेसिन बनाया हुआ, हुआ है एक और यू कैन से पॉन्ड बनाया हुआ है जहाँ पर कूलिंग वाटर हमने कलेक्ट किया हुआ है और इस वाटर को एक मोटर की हेल्प से पंप की हेल्प से सप्लाई करते हैं फॉर कूलिंग पर्पज़ क्लियर सो फ्रेंड्स यू कैन सी एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर बोथ फ्लो इन सेम डायरेक्शन दैट इज पैरल फ्लो वेट एयर पंप इज यूज टू एक्सट्रेट द मिक्सचर ऑफ कंडेंसेट एयर एंड कूल एंड दिस लिमिट द वैक्यूम क्रिएट इन द कंडेंसर अप टू सिक्स हंड्रेड एम एम ऑफ एच जी तो ये यहाँ पर वैक्यूम की लिमिट दी हुई है इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर नाओ फ्रेंड्स इसमें नाम आ गया काउंटर फ्लो लो लेवल का मतलब सेम है लो लेवल मीन्स ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस पाइप की साइज काफ़ी कम है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि कितना होना चाहिए अगर लो लेवल वर्ड हटाना है मैं आप, आपको अभी आगे कमिंग स्लाइड्स में आपको बताऊंगा हियर यू कैन से एग्जॉस्ट सिस्टम एंटर फ्रॉम द हियर एंड कूलिंग वाटर एंटर फ्रॉम द हियर सो कूलिंग वाटर फ्लो इन दिस डायरेक्शन वाइल्ड एग्जॉस्ट सिस्टम फ्लो इन दिस डायरेक्शन सो यू कैन सी दिस इज काउंटर फ्लो दिस इज अपोजिट टू ईच अदर सो दैट्स वाई इट गिव्स नेम काउंटर फ्लो right rest function is same here air pump is used at the top of the condenser which remove the air here the cooling water is supplied from the top of the condenser and steam from the side of the condenser the water flow in downward direction through a series of perforated trays steam get condensed while it comes in contact with the falling water the air pump always maintain the required vacuum in the condenser and इनड्यूस कूलिंग वाटर टू बी लिफ्टेड इन टू कंडेंसर अपू हाइट ऑफ फाइव पॉइंट फाइव मीटर द एक्सेस अमाउंट ऑफ कंड फ्रॉम वेल फ्लो इन टू द कुल्ड बाई एन ओवर फ्लो पाइप ये यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर एक कूलिंग वाटर पॉंड है जितना यहाँ से वाटर एक्सेस होगा वो यहाँ पर एक सप्लाई किया जाएगा और यहाँ से यह कूलिंग वाटर को इस तरीके से एक पंप की हेल्प से हम सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इज हाई लेवल जेट कंडेंसर इस हाई लेवल जेट कंडेंसर को हम बैरोमेट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं अभी तक हम लोग डिस्कस करते लो लेवल लो लेवल लो लेवल यहाँ पर है हाई लेवल राइट अब देखिए डिफरेंस क्या आ गया दोनों में कंडेंसर इज सेम जेट कंडेंसर बट डिफरेंस ये है हाई लेवल ये जो वर्ड आ गया हाई ये पहले से डिफरेंस आ गया हाई का मतलब क्या है हाई का मतलब है द लेंथ ऑफ दिस पाइप अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें देर इज नो कंडेंसेट एक्सट्रक्शन पंप कंडेंसेट को रिमूव करने के लिए हमने यहां पर कोई भी पंप यूज नहीं किया देखिए आप फ्रेंड्स अब इस केस में क्या है देखिए एक कूलिंग वाटर 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 अवेलेबल है हाँ पर राइट कूलिंग कूलिंग से हमने को लिफ्ट किया फॉर पर्पज और कूलिंग वाटर को पर हमने सप्लाई किया इट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एग्जॉस्ट सिस्टम को यहां पर हमने सप्लाई किया एंड इट मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो यू कैन से इट इज ए काउंटर फ्लो क्लियर नाउ

ये क्या है ये बैरोमेट्रिक प्रेशर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वाटर बैरोमेट्रिक प्रेशर था सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी एच जी इज मरकरी इफ यू विल कन्वर्ट इट इन टू टर्म ऑफ वाटर इट विल टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर सो ये जो हाइट है ये मिनिमम आपको टेन पॉइंट थ्री थ्री मीटर आपको रखनी है अगर आप इससे कम रखेंगे तो आपको एक पंप यूज करना पड़ेगा और इतना रखेंगे या इससे ज़्यादा रखेंगे सो so पंप यूज करने की जरूरत नहीं है राइट right?

सो दीज आर द होलो ट्रंक ट्रंकेटेड कोन्स दिस इज डाइवर्जिंग कोन सो ये जो कोन आप देख रहे हैं और यू कैन से दीज आर द कोल्ड वाटर नोजल्स सो इनका पर्पज़ क्या है और इस तरह की शेप क्यों दी हुई है फ्रेंड्स एज वाटर इज पासिंग थ्रू दीज द वेलॉसिटी ऑफ वाटर विल इंक्रीज सो जैसे जैसे वाटर की वेलासिटी इंक्रीज होगी इट विल करिएट दॉल्यूम वैक्यूम राइट आप देखिए यहाँ से स्टीम को हम सप्लाई कर रहे हैं दिस देर इज ए नॉन रिटर्न वॉल्व सो स्टीम कैन कम इन साइड द कंडेंसर बट यहाँ से वाटर या स्टीम वापस बाहर नहीं जा सकता इट इज अ नॉन रिटर्न वाल एन आर वी क्लियर फ्रेंड्स सो अब देखिए जैसे जैसे वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज होगी इट विल क्रिएट वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट करेगा तो क्या होगा स्टीम यहाँ पर सक की जाएगी राइट सो एंड स्टीम विल और देखिए ये क्योंकि आप देखिए होलो है और साथ में यहाँ पर ये गैप दिया हुआ है ये देखिए एक सारा गैप दिया हुआ है ये so, सो जैसे स्टीम यहाँ पर आएगी स्टीम विल गेट मिक्स वेरी वेल विद द वॉटर, सो इस पोर्शन में स्टीम यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी इसके बाद डाइवर्जिंग कोन दिया हुआ है फ्रेंड्स डाइवर्जिंग कोन में अगर आप देखेंगे तो एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है सो so, एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है एरिया इंक्रीज होगा तो वेलासिटी कम होती जाएगी सो so, उसके बाद वेलासिटी को कम करके इसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है देखिए इन दिस कूलिंग इन दिस कूलिंग वाटर एंटर्स फ्राम द टॉप ऑफ द कंडेंसर एट लीस्ट अंडर ए हेड ऑफ सिक्स मीटर ऑफ वाटर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड देन इट पासिस ओवर ए सीरीज ऑफ कन्वर्जेंट नोजल एंड फाइनली इट लीव्स थ्रू ए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल द नॉन रिटर्न वाल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द रश ऑफ वाटर फ्रॉम हॉटवेल टू द इंजन इन केस ऑफ कूलिंग वाटर सप्लाई फेल मोमेंटम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज टू रिमूव द मिक्सचर ऑफ कंडेंसेट एंड कूलेंट फ्रॉम कंडेंसर विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सटक्शन पंप ठीक है फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं वाट आर द एडवांटेज एंड डिसडवांटेज ऑफ जेट कंडेंसर सो एडवांटेज की मैं बात करूँ इट इज़ वेरी सिंपल इन डिज़ाइन एंड चीपर एंड वेरी लेस फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो कंडेंसेट हमें मिल रहा है इट इज़ नॉट प्योर सो इसको रीयूज नहीं किया जा सकता अगर रीयूज करना चाहेंगे तो इट नीड सम वाटर ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो वैक्यूम एफिशंसी इज वेरी लो सो ड्यू टू दीज वी आर मूविंग टू सरफेस कंडेंसर ये जो प्रॉब्लम इसमें आई है तो सरफेस कंडेंसर अगर आप देखें तो सरफेस का मतलब है कि कूलिंग वाटर और एग्जॉस स्टीम के बीच में एक सरफेस होती है सो इन सरफेस कंडेंसर द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर डू नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट रादर दे सेपरेट बाई हीट ट्रांसफर वॉल्व सो हैंड्स कंडेंसट रिमेन प्योर एंड कैन बी रीयूज अगर आप इसमें देखें जो एक डायग्राम मैंने ये बनाया हुआ है आप देखिए यहाँ से कूलिंग वाटर को सप्लाई किया है हमने और यहाँ से स्टीम को सप्लाई किया है राइट कूलिंग वाटर इज इनसाइड द पाइप एंड स्टीम इज़ आउटसाइड द पाइप सो ये हेयर देर इज ए वेफल वो वाटर यहाँ से इस तरीके से जाएगा देन इट विल मूव इन अपवर डायरेक्शन एंड देन अपसाइड और कंडेंसेट यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है ईयर यह को यहाँ से रिमूव किया जाता है सो फ्रेंड दिस इज सरफेस कंडेंसर नाउ वेरियस सरफेस कंडेंसर सर जैसे आपको मैंने बताया डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर सो दिस इज़ यू कैन से दिस इज़ ए डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर हीयर एक्जॉस्ट स्टीम एंटर द टॉप ऑफ द कंडेंसर शेल एंड फ्लो डाउनवर्ड ओवर वाटर ट्यूब्स वाटर ट्यूब आर डबल पास्ट कोल्ड वाटर फ्लो इन लोअर साइड फर्स्ट एंड देन इन अपर साइड इन द रिवर्स डायरेक्शन विच इनेबल द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर आप देख सकते हैं दो मैंने डायग्राम दिखाए हुए हैं दिस इज अ साइड व्यू दिस इज फ्रंट व्यू आप इसमें देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था इसे जस्ट पहले जो डायग्राम इट इज द सेम कूलिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द हिर देर इज ए वेफल सो दैट कूलिंग वाटर डायरेक्ट ऊपर ना चला जाए अब देखिए कूलिंग वाटर इस तरीके से आएगा पहले इन साइड द पाइप एंड देन इट विल पास अगेन टू द सीरीज ऑफ पाइप्स एंड देन इट विल गो आउटसाइड देखिए कूलिंग वाटर को हम हमेशा नीचे से सप्लाई कर रहे हैं और एग्जॉस सिस्टम को ऊपर से सप्लाई कर रहे हैं राइट सो वाई वी एक तो काउंटर फ्लो हो गया दूसरे वी वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी कि जितना गर्म होता जाएगा उतना फ्लो होता जाएगा और एग्जॉस्ट सिस्टम जितनी कंडेंस होती जाएगी वो ड्रॉप बाई ड्रॉप बॉटम में कलेक्ट होती जाएगी राइट सो कंडेंसेड कलेक्शन इज हियर एंड ईयर एक्सटेक्शन इज हेयर नैक्स्ट वन इज सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर फ्रेंड्स सेंट्रल फ्लो का मतलब है अभी जो आपने देखा है दैट वाज नॉट सेंट्रल फ्लो वो डाउनवर्ड फ्लो था उसमें स्टीम डाउनवर्ड फ्लो रही थी इसमें स्टीम टुवर्ड द सेंट्रल फ्लो होती है आप ये देख सकते हैं डायग्राम स्टीम फ्लो रेडियल इनवर्ड द कंडेंसेट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द शेल्फ फ्रॉम वेयर इट इज टेकन आउट बाई द कंडेंसेट एक्सट्रक्शन पम्प द स्टीम गेट एक्सेस टू द एंटायर पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब एंड दस अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर इज अवेलेबल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस यानी डाउनफ्लो अब देखिए इसमें स्टीम इस को यहाँ से सप्लाई किया है हमने इन पाइप्स के अंदर कूलिंग uh, वाटर है सेंटर में हमने एक पंप लगा दिया सो ये जो एयर है स्टीम के अंदर जो एयर है इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड द सेंटर सो एट दैट टाइम क्या होगा ये जो स्टीम है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज पाइप्स और जैसे ही इनके कॉन्टेक्ट में गए इट विल गेट कंडेंस और उससे क्या होगा ड्रॉप बाई ड्रॉप कंडेंसेट यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इस कंडेंसीट को रिमूव किया जा सकता है और एयर को सेंटर में हमने एक एयर एक्सट्रक्शन पंप और ब्लोअर लगाया हुआ है so, सो वहाँ से हम इस एयर को रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके बाद आता है इन्वर्ड फ्लो कंडेंसर इन्वर्ड का मतलब होता है उल्टा इन्वर्ड फ्लो कंडेंसर हीयर स्टीम एंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द शेल एंड एयर एक्सट्रक्शन पम्प कनेक्टेड एट द टॉप स्टीम फ्लो अपवर्ड फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द बॉटम ऑफ द कंडेंसर एंड द कंडेंसेट एक्सट्रक्शन पम्प इज कनेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द शेल टू एक्सट्रैक्ट द कंडेंसर इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है इवेपोरेटिव कंडेंसर अब देखिए इवेपोरेटिव कंडेंसर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें वाटर की स्केरिसिटी है मीन्स वाटर कूलिंग वाटर जो है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल नहीं है सो so, केवल उतना ही वाटर को हम इवेपोरेशन के इवेपोरेटिव कंडेंसर यूज़ करते हैं कि जो वाटर कूल करेगा केवल उतना वाटर एवेपोरेट हो सके और हम कोशिश करते हैं कि इवेपोरेशन में भी लॉस मिनिमम हो तो बैफल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं हियर यू कैन सी फ्रेंड्स इन दिस डाइग्राम देखिए देर से वाटर टैंक और ये वाटर सर्कुलेटिंग पंप हमने यूज़ किए यहाँ से एग्जॉस्ट सिस्टम को सप्लाई किया हमने ये इस पाइप के अंदर सप्लाई स्टीम है इन पाइप के ऊपर हमने कुछ फिन्स लगा दिए जस्ट टू तो एक्सटेंड द सर्फेसिज राइट और यहाँ से हमने वाटर को स्प्रे किया कूलिंग वाटर को सो वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज फिनस एंड पाइप्स एंड इट गेट इट्स हीट सो जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है और बाकी का वाटर हॉट वाटर की फॉर्म में नीचे वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाता है इस तो ये यह, यहाँ पर ऊपर हमने एक पंप लगाया हुआ था एयर एक्सट्रक्शन पंप आप कह सकते हैं ब्लोअर कह सकते हैं जो इस एयर को सप्लाई कर रहा है रिमूव कर रहा है और यहाँ बेफल्स हमने यूज़ किए कि वाटर पार्टिकल्स एयर के साथ कम से कम जाएँ और इस पाइप के अंदर वो स्टीम कंडेंस हो जाती है सो तो एक पंप के थ्रू हम इसको कंडेंसेट को हम रिमूव कर सकते हैं क्लियर नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस कंडेंसर्स अगर एडवांटेज की हम बात करें सो वैक्यूम एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई कंडेंसेट इज़ प्योर यू कैन री इट लो क्वालिटी कूलिंग वाटर कैन बी यूज फॉर कूलिंग पर्पज़ इट अलाउ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम थ्रू ए हाई प्रेशर रेशो बट अगर मैं डिसडवांटेज की बात करता हूँ सो लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर्ड राइट कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस इज कॉस्टली लेबर इज स्किल रिक्वायर्ड एंड लार्ज फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड फ्रेंड्स देर इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम वट इज द कंपेरिजन ऑफ जेट एंड सरफेस कंडेंसर ये बहुत कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों तो इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार देख लें जेट कंडेंसर मैंने आपको बताया था, था तो मिक्सिंग होता है सरफेस कंडेंसर आपको बताया नॉन मिक्सिंग होता है तो जेट कंडेंसर में देखिए कूलिंग वाटर एंड स्टीमर अप इन दिस केस क्या है कि आर नॉट अप दोनों सेपरेट रहते हैं जेट कंडेंसर में आपको बताया कि स्मॉल एरिया फ्लोर एरिया चाहिए सरफेस कंडेंसर में लार्ज फ्लोर एरिया चाहिए जेट कंडेंसर में क्या है क्योंकि दोनों मिक्स हो गए हैं सो कंडेंसेट को हम यूज़ नहीं कर सकते फीड वाटर में क्योंकि इसमें इंप्योरटीज़ होती हैं तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा लेकिन इस केस में क्या है कि आप डायरेक्ट यूज so कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिक्स नहीं होते हैं सो उसको कूलिंग वाटर अलग है कंडेंसेट अलग है कंडेंसेट को आप यूज कर सकते हैं हीयर मोर पावर इज रिक्वायर्ड इन ईयर पंप हियर लेस पावर इज रिक्वायर्ड लेस पावर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर पंप हेयर मोर पावर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर पम्प यू कैन सी लेस क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड हीयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड कंडेंसिंग प्लांट इज सिंपल इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड लेस Suitable for high capacity plant due to low vacuum efficiency, it is more suitable for high capacity power plant due to high vacuum efficiency. So, friend, this is all about the condensers. So, thank you, thank you very much.